हाँ जी देख तो लो इधर, यही है जिनसे मेरी गाड़ी में स्क्रैचेस लगे। ये देखिए ये डेंट लग गया, ये डेंट। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइज आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, हम सब भी स्वस्थ हैं। तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है और मैं अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए तैयार हूँ। नाश्ता वास्ता कर लिया है और देखिए मेरे पास फोन करी है। हेलो गाइज, ये भी स्कूल जा रही है। गाइज कल का ब्लॉग नहीं देखा, जाके देखिए। गली क्रिकेट खेला हमने बच्चों के साथ, बड़ा मजा आया, जाके देखिए। और आज का ब्लॉग चालू हो गया, देखते हैं आज के डेली लाइफ मोड में क्या क्या कैप्चर हो सकता है। डेस्टिनेशन से आना जाना तो आप रोज ही देखते हैं, उसके अलावा और क्या कर सकते हैं। ब्लॉग पे बने रहिए, सब कुछ देखने को मिलेगा, सब अपडेट देते रहूँगा। गाइज मेरे साथ जो होता है वो आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि मेरा आपका बहुत गहरा कनेक्शन है। तो चलिए ब्लॉग को चालू करते हैं। तबीयत ठीक है, 100% ओके नहीं है, वीकनेस थोड़ा बहुत चलता रहता है गाइज, लेकिन काम तो काम है, काम तो करना है। तो चलिए चलते हैं, ब्लॉग बनाते हैं आगे और देखते हैं डेली लाइफ में क्या क्या होता है। हटना बेटा, गाड़ी खूब दिखा लेना सुबह सुबह। हाँ जी देख तो लो इधर, यही है जिनसे मेरी गाड़ी में स्क्रैचेस लगे हैं। गाइस देख रहे हैं ना, सुबह सुबह ये अलग ही मसला है। अभी क्या कर सकते हैं गाइस, रोड पे चलते वक्त में तो ये सब हो सकता है, लेकिन हाँ मतलब सॉर्ट आउट हो गया है मुझे। लेकिन मेरा तो मेहनत बढ़ गया ना गाइस, मुझे अब इस वीक पे ये फिक्स कराना पड़ेगा इशू। अभी क्या कर सकते हैं गाइस, लेट हो गया हूँ मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा अपने डेस्टिनेशन के लिए। तो चलते हैं वहाँ पे, फिर मिलते हैं गाइस। गाइस मैं अभी निकल गया हूँ अपने डेस्टिनेशन से, अर्ली लिविंग कर लिया है और घर जा रहा हूँ। रीज़न इसका क्या है वो घर चल के बताऊँगा। सुबह से तो आप देख ही रहे हैं कि गाड़ी में स्क्रैच लग गया, जिसकी वजह से थोड़ा मुंह स्पॉइल है। और गाइस दिन ही कुछ ऐसा है, क्या ही बताऊँगा। मेरे अर्ली लिविंग का रीज़न मैं आपको चल के बता रहा हूँ, चलिए पहले घर चलते हैं। और जो भी कुछ हुआ गाइस उसका जो रीज़न है वो मैं आपको सब बहुत सही तरीके से बताऊँगा, क्यों ऐसा हो गया, किसकी गलती है, मेरी गलती है या उस ऑटो वाले की गलती है, सब मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा गाइस। क्योंकि आप तो मुझे डेली देखते हैं, डेली मेरा, मैं वहाँ से अपने घर से निकलता हूँ, डेली अपने डेस्टिनेशन पे आता हूँ, आप सब देखते हैं। और घर चल के बताता हूँ गाइस, बहुत डिटेल में बताऊँगा आपको, चलिए। हेलो किट्टू, ये क्या खा रही हो ऐसे तुम? हैं, अच्छा लग रहा है? किसने दिया? पापा ने। तुम सो के उठी हो ना? तो गाइस मैं घर तो पहुंच गया हूं और आपको कुछ चीज़ें बतानी है। नाक बंद हो गया है गाइस और फीवर दोबारा से हो गया है। आपने देखा था ना सैटरडे को मुझे अचानक से फीवर हो गया, कल मैं ठीक हुआ तो मैंने गाड़ी का सर्विस वगैरह काम करा लिया, बच्चों के साथ खेला भी क्रिकेट कूद, लेकिन डेस्टिनेशन पे जाने के बाद ना एकदम सडनली फीवर जैसा हो गया गाइस। जो गाड़ी के साथ हुआ है वो मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी अपने बारे में बता रहा हूँ कि क्यों मैं इतनी जल्दी आ गया। ये नाक दोनों बंद हो गया गाइस, जुकाम से नाक दोनों बंद हो गया है, छींक पे छींक आया जा रहा है और फीवर जैसा हो रहा था, तो मैं कहा कि चलते हैं आराम करते घर पर। तो मैं आ गया हूँ घर पर, आराम कर रहा हूँ। किट्टू के लिए एक चॉकलेट आया था, एक्चुअली वहाँ एक चॉकलेट मिला था तो मैंने किट्टू को दे दिया, अभी सोई हुई थी, मैंने इसको प्यार से उठाया है तो वही चॉकलेट खा रही है, दिखाता हूँ फिर कैसे खा रही है। ये देखिए गाइस, बेटा बेड पे मत गिराओ, बेड पे मत गिराओ, देखो बेड पे गिरा हुआ है, बेड पे मत गिराओ। बेड पे मत गिर, देखो बेड पे गिर गया है, उसको पूछना होगा, है ना किट्टू। गाइस डेस्टिनेशन से आके थोड़ी देर में आराम करने लगा था, फिर चेंज वेंज करके, तो वहाँ बच्चे लोग तो पढ़ाई करते हैं आपको पता ही है इस समय में, और मैं फिर आ गया इस रूम में, क्योंकि जुकाम बहुत ज़बरदस्त वाला हो गया, दोनों नाक बंद है और फेवरेस्ट टाइप से हो गया था। तो लेकिन हाँ मुझे आपको बताना था कि सुबह हुआ क्या है। तो आपने सुबह देखा ही गाइस मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया है अपना, घर से जैसे निकलता हूँ वैसे ही निकला है, जैसे मैं ड्राइव करता हूँ वैसे ही ड्राइव करा था। एक्चुअली जो मेरा एग्ज़िट जो है घर के आगे का जो गली एग्ज़िट है वो थोड़ा पतला है,
तो हम क्या करते हैं कि मतलब जैसे मैं क्या करता हूँ, आई डोंट नो आपको सेंसेबल मैं साउंड कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो पतला गली है गाइस, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने गाड़ी का हेडलाइट ऑन कर देता हूँ, और हेडलाइट करने ऑन करने के बाद आप डिप डिपर यूज़ करते हैं तो जो सामने आ रहा होता है उसको समझ में आ जाता है कि भाई मुझे रुक जाना चाहिए, आगे वाले को पास करने दो, फिर एंट्री करो क्योंकि पतली गली है। अब गाइज मैंने एंट्री मतलब मैंने डिप डिपर यूज़ कर लिया, आगे से एक ऑटो वो भी पतला नहीं बड़ा ऑटो वाला जिसपे सब्जी वब्जी लेके जाते हैं, उसने गाड़ी अंदर अपना गली में घुसा दिया। फिर हम एक जगह रुके, तब तक गाड़ी में कुछ नहीं हुआ था गाइज, आप देख सकते हैं जहाँ पे गाड़ी में लगा हुआ है वो कैसे लगा है वो मैं बता रहा हूँ। हम एक जगह रुके, फिर मैंने अपना ग्लास नीचे किया, मैंने उससे पूछा यार मैंने लाइट जला रखा है तुम्हें दिखा नहीं क्या, मैंने डिप डिपर भी दिया तो बोलता नहीं भैया मुझे नहीं दिखा। फिर मैंने बोला कि जब निकालो अब तो आराम से निकालो, थोड़ी जगह थी मैं वहाँ लेफ्ट जाके फिर वैसे कर लेता। गाइस वो निकालने के चक्कर में इतना कसके निकाला कि पूरा रगड़ दिया। फिर आपको आपको तो सब देख ही रहे गाइस, फिर दो जानने वाले थे वहाँ उनके पास गए, चीज़ें शॉर्ट आउट हुई, लेकिन फिर भी मुझे सही नहीं लगा तो फिर मैंने आके वापस कर दिया। क्या वापस किया गाइस, एक होता नहीं कि आपका जो खर्चा होता है आपको भरते हैं, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि गाइस वो क्या ही मैं उससे लूँ क्या ही लूँ, तो मैंने आके वापस कर दिया गाइस। यही आज की पूरी कहानी है, मतलब टुडे वॉज कम्प्लीटली अब इसको क्या बोलूँ, वॉज नहीं बोल सकते हैं वैसे नहीं बोल सकते हैं, बट आज का दिन कुछ खास नहीं रहा गाइस, सुबह सुबह गाड़ी टूट गई यही था। और हाँ गाइस कल से नवरात्रे शुरू है, हालांकि मैं फास्टिंग वो वाला नवरात्रा करता हूँ जो अक्टूबर नवंबर सितंबर में जो भी मतलब होता है मैं उसमें फास्टिंग करता हूँ। हाँ इसमें प्रिकॉशन लेते हैं, नॉन वेज नो ड्रिंक्स नथिंग कुछ नहीं करते हैं। तो ये वाला नवरात्रा ऐसा है कि इसमें पूजा पाठ ज़रूर करेंगे बट 9 दिन तक नॉनवेज वगैरह कुछ नहीं चलेगा। तो आपको मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से एडवांस में हैप्पी नवरात्रा गाइस। और गाइस तबीयत डाउन है तो मैं देखता हूँ, अभी खाना पीना तो बन ही रहा है, आज भर ही नॉनवेज खाएंगे गाइस, तो देखते हैं क्या बना रही है ब्यूटी, मंगवा लिया होगा जो भी मंगवा लिया होगा बताते हैं आपको। गाइस मैंने तो खाना पीना खा लिया, आपको बताया था ब्यूटी ने मंगाया था तो मटन ही मंगाया था, आज ही भर खा सकते हैं कल से नहीं खा सकते। और गाइस लिटरली मैं बहुत दोनों नाक बंद है और फीवर भी है गाइस, और मैं क्या बताऊँ परसों सैटरडे को फीवर था ही, कल संडे को आपने देखा गाड़ी सर्विस वगैरह मैं करा ले चला गया हिम्मत जुटा के, मैं मुझे लग रहा था कि अगर मैं बेड पे पड़ूंगा तो फिर घर का काम वगैरह कौन देखेगा, बाहर का चीज़ें कौन देखेगा, करने वाला तो नहीं। और गाइस आज सुबह मैं जा रहा था डेस्टिनेशन पे तो आपने देखी है गाड़ी टूट गई, तो उससे आज मेरा और मतलब एक होता नहीं डीमोटिवेट सा हो गया। तो आज का ब्लॉग गाइस मैं यहीं पे एंड करता हूँ, आशा करता हूँ कि हाँ मेरा वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ सुपर थैंक्स के थ्रू आप अपना प्यार दीजिए, वैसे भी दीजिए गाइस, सुपर थैंक्स की ज़रूरत नहीं है, अगर आप देना चाहें तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम है, मुझे थैंक्स की ज़रूरत है। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ टेक केयर, बाय बाय गाइस, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस, टेक केयर, जय माता दी।